अगर आपकी कार की बैटरी से करंट लीकेज हो रहा है और बैटरी आपकी डाउन हो जा रही है तो उस चीज़ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी कार आप लंबे टाइम तक पार्क कर रहे हैं और आपकी कार का जो स्टीरियो है वो आपकी बैटरी को बिल्कुल डाउन कर दे रहा है, तो आज की वीडियो उसके ऊपर रहने वाली है। देखिए, मेरी गाड़ी मैं बहुत कम चलाता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, जो स्टीरियो है ना, आफ्टर मार्केट स्टीरियो है, ये बैटरी को ड्रेन कर दे रहा है काफ़ी दिन खड़ी करने के बाद। लेकिन अगर मैं बैटरी के कनेक्टर निकाल दे रहा हूँ तो फिर मेरी बैटरी ड्रेन नहीं हो रही, इसका मतलब मेरी बैटरी सही कंडीशन में। जो भी हो रहा है वो लीकेज स्टीरियो की वजह से हो रहा है, मतलब और भी वजह हो सकती है उस लीकेज की, बट जो मैंने चेक करा अच्छे से, जो फ्यूजेस निकाल के मैंने चेक करे थे, तो उसमें जो करंट ड्रॉ हो रहा है ना वो इस स्टीरियो की वजह से ही हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर पहले हमको क्या करना, चाबी निकाल लेनी, बाकी आपकी सारी बूट लाइट ऑफ होनी चाहिए, डिग्गी अच्छे से बंद होनी चाहिए, कोई गाड़ी के अंदर लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सेसरी ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो नेगेटिव वाला टर्मिनल हमको निकाल लेना है करंट लीकेज चेक करने के लिए, बाकी इसको हमने अपना मल्टीमीटर सेट कर लिया। देखिए, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट में जो आज वाली जो इशू है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से कितना ज़्यादा करंट लीकेज हो रहा है। देखिए, 0.03 इसकी रीडिंग आ रही है, इतना नॉर्मल होता है और गाड़ी में इतना चलता है। अगर आप गाड़ी रेगुलरली चला रहे हैं खड़ा करने में, इतने में गाड़ी की बैटरी डाउन होती भी नहीं है, बट मैं बहुत लंबे टाइम तक गाड़ी खड़ी करता हूँ, बहुत रेयरली चलाता हूँ, तो ऐसे में क्या हो रहा है ना, गाड़ी की बैटरी डाउन हो जा रही है, मुझे कनेक्टर निकालना पड़ रहा है बार बार। तो इस वजह से जो बैटरी का टर्मिनल है ऑलरेडी इतना ज़्यादा घिस चुका है कि अब इसमें कनेक्टर फिट ही नहीं होता, तो ये भी एक इशू है क्यों मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको साइड कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो स्टीरियो है वो करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब बैटरी जो उसकी वजह से डाउन हो रही है। तो इसमें देखिए 15 एम्पीयर वाला फ्यूज़ है ना, ये स्टीरियो का है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसको निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना करंट इससे ड्रॉ हो रहा है। तो मैंने मल्टीमीटर सेट कर लिया है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए रीडिंग इसकी, देखिए 0.00, मतलब जो भी है वो स्टीरियो की वजह से ही जो करंट लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो हमको ये तो पता है कि इस वजह से लीकेज हो रहा है, अब उस चीज़ को सही कैसे करना है इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। मैं दोबारा से इस फ्यूज़ को लगा देता हूँ, और फ्यूज़ लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, मतलब हमको कन्फर्म करना है ना कि यही चीज़ है। तो देखिए फिर से रीडिंग देखिए 0.03, ठीक है। तो इट मीन्स मतलब ये तो पूरी तरीके से कंफर्म ही हो गया है कि ये जो भी कर रहा है स्टीरियो ही कर रहा है, ठीक। और चीज़ें नहीं, अगर और चीज़ें वो भी हमें चेक कर लें, तो अब क्या करते हैं, हम बैटरी का कनेक्टर लगा लेते हैं नेगेटिव वाला, उसके बाद चेक कर लें। वैसे हमें कोई भी काम करना हो ना बैटरी से रिलेटेड, मतलब गाड़ी एक्सेसरी से रिलेटेड, तो हमें बैटरी के नेगेटिव वायर निकाल लेनी, बट यहाँ पर तो हमको चेक ही करंट लीकेज करना है, तो इसके लिए इस वायर का लगना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर स्टीरियो मेरे को निकाल लेना है, ये निकालने के लिए बाहर ये जो ट्रिम्स होती है सारे ये निकाल लेना है, बाकी यहाँ पर चार स्क्रू होते हैं, इनको खोल कर स्टीरियो है वो बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके पीछे जो कनेक्टर लगा होता है ना, देखिए दो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है पीछे, ये है एम्पलीफायर का, और बगल में जो वाला कनेक्टर है वो आता है मेन पावर सोर्स वाला, बाकी स्पीकर्स को डिस्ट्रीब्यूशन वहीं से होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, बैटरी का कनेक्टर को दोबारा लगा लेता हूँ, और मैं इसका जो याला है ना, इसमें देख रहे हैं एक ब्लैक वाली नेगेटिव की, रेड वाली एक्सेसरी वाले उससे आती है, और जो और ये येलो वाली ना ये डायरेक्ट बैटरी से आती है, इसमें हमेशा 12 वोल्ट फ्लो करते रहता है, और एक जो है वो एंटीना की और दो वो एम्पलीफायर की, ठीक है। तो इसमें आपको मैं वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ, वैसे हर स्टीरियो में लिखा होता, नहीं भी लिखा होता फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ब्लैक वाली ग्राउंड की है, और जो येलो वाली है वो है मेमोरी बैकअप है, ठीक है। येलो वाली जो हमेशा इसमें 12 वोल्ट का जो करंट चलते रहता है, और जो रेड वाली वो इग्निशन वाली है, ठीक है, एक्सेसरी वाली से कनेक्शन रहता है जिसका। तो मेन यही रीजन रहता है, जो येलो वाली है वो हमेशा चलते रहती है, और जो स्टीरियो होता है उसमें क्लॉक चलते रहती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कार की जितनी भी बैटरी ड्रॉ हो रही है ना, करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब जितना भी करंट खींच रहा है स्टीरियो, यही एक रीजन होता है। तो अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो करना पड़ेगा, स्टीरियो तो चेंज करना नहीं है, और गाड़ी में बहुत कम चलाता हूँ, तो इसका भी कुछ उपाय करना नहीं, तो बैटरी कनेक्टर ऐसे निकाल रोज रोज निकाल के घिस जाना है वो। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो येलो वायर है उसको पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर से, और उसके बाद इसमें मैं इसके अंदर एक फ्यूज़ भी होता है, वही मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये जो येलो वायर है इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि करंट लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए करंट लीकेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसकी रीडिंग देख लीजिए 0.00, मतलब वही है जो डायरेक्ट आ रही है ना मेमोरी वाली वायर, उसी वजह से वो करंट लीकेज हो रहा है जितना भी हो रहा है, ठीक है। तो हमको पता तो है ये ऑलरेडी, बट वो कन्फर्मेशन के लिए था। अब एक चीज़ है ना इसमें कि चलो मैं आपको और दिखा लेता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि येलो वायर हटा के भी हम स्टीरियो चला सकते हैं, बट वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए मैंने येलो वायर हटा दिया, ऑन कर लिया है, स्टीरियो ऑन ही नहीं हो रहा, तो मतलब हमें येलो वायर के बिना चल ही नहीं सकता है। और इसको लगा कर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए चलने लग गया, ठीक है।
तो मतलब येलो वायर हमको लगानी ही लगानी। एक चीज़ एक ऑप्शन और है, येलो वायर को रेड वाली के साथ कनेक्ट करते हैं, बट वो रिस्क नहीं लेना है। इससे बेटर सोल्यूशन ये है कि इसके बीच में इन वायर को आपस में ब्रेक करके स्विच के थ्रू करंट पास ऑन करें, जब भी हमें ज़रूरत हो ऑन कर ले, पाँच की टाइम हमें गाड़ी पार्क करनी हो तो इस तरीके का स्विच यूज़ करके उसकी जो पावर सोर्स है उसको डिसकनेक्ट कर लें, जब भी यूज़ हो उसको वो कर। अब लगाना कहाँ है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो इसको यहाँ पर लगा लिया इस तरीके से कटिंग करके, थोड़ा कटिंग करने में दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, उतनी स्मूथली तो नहीं हो सकती। आप इसमें इतने सारे स्विच देख लूँगा ना, एक है आगे जो ग्रिल लाइट है, एक है आगे फ्रंट पार्किंग सेंसर का, और ये वाला स्टीरियो का हो गया, और ये वाला हेड लैम्प इंस्टॉल किया था ना कुछ दिन पहले, ये वाला है उसका। तो अब हमें क्या करना है, स्विच के लाना इसमें लगा लें थिम्बल्स। तो मैं फटाफट से थिम्बल अटैच कर लेता हूँ। उसके बाहर उसमें एक इंसुलेशन के लिए कुछ भी आप कवर लगा सकते हैं, वो ज़रूरी है। कवर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेप ही लगा लेना। तो दोनों वायर्स में ये हो गया। अब इसके बाद इनको स्विच में लगा लेना है, बट थोड़ा हार्डली रहेंगे नए थिम्बल्स होते हैं, इनको जैसे तैसे डाल लेना है। उसके बाद इसको वायर को, इसको स्विच को अपनी जगह पर लगा के उससे पहले एक वायर प्रोटेक्टर इसमें यूज़ कर लेना, वो इंसुलेशन के लिए बेटर है, वायर की प्रोटेक्शन के लिए बढ़िया सी चीज़ हो जाएगी। ये हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसको देखिए मैंने यहाँ से खींच लिया, खींचने में बड़ी मेहनत सी लगी थी मेरे को। स्विच मैंने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन उसको करने का मेरे पास एक बैटरी का पुराना ये पड़ी थी, तो मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से दूसरी तरफ खींच लिया। थोड़ी बहुत मेहनत तो इसमें लगने वाली है, ठीक है। तो ये आ गया। अब जो इसमें येलो वायर है, येलो वायर को मैंने यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेना है, और एक वाला है जो स्विच से एक वायर आ रही उसमें जाएगा, और जो दूसरा वाला है स्विच से उसमें जाएगा, क्योंकि हमें स्विच के थ्रू इसका कनेक्शन करना है। तो दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। बाकी जो कनेक्टर के पीछे एक्स्ट्रा वायर्स थी उनका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, तो मैंने सारी पिंस हटा ली हैं, खाली उनमें टेप लगा के रखी थी, मेरे किस काम का नहीं। अब देखना है कि काम करती है या नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है काम तो करना ही चाहिए, ठीक है, सिंपल सा। बाकी मैंने इसमें और भी उसमें प्रोटेक्शन के लिए वो एक वायलूम प्रोटेक्टर को एक्स्ट्रा लगा लिया। बाकी क्या है, सारे इसके कनेक्शन हमें लगा लेने, ये मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्विच ऑन किया, हमारा स्टीरियो ऑन हो गया, ठीक है। वही चीज़ आपको इसको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा जो उसमें स्विच होते हैं, इसके बटन होते हैं उसके थ्रू। मेमोरी वाला जो फंक्शन है वही काम नहीं करेगा, वैसे भी बैटरी से वायर निकाल के भी ये चीज़ सेम ही होती है, मेमोरी वाला जो कनेक्शन है वो हट ही जाता है, तो एक ही बात पड़ती है। मैं इसको ऑफ करूँगा, ठीक है, ये ऑफ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बैटरी कितना ड्रॉ कर रहा है या नहीं कर रहा है चीज़ करने वाले। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर ऑफ कंडीशन में, मैं दिखा लेता हूँ बैटरी ड्रॉ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, नहीं हो रही। इट मीन्स कि जो भी हमने कनेक्शन था ना इसका सारा हटा लिया है जो स्विच के थ्रू हमने करा था, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल बैटरी ड्रॉ नहीं हो रही, जो चीज़ हम कर रहे थे वो हो गई है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली, अगर आपने की होगी तो इसकी लीड को ना मैं कनेक्टर में लगा रहा हूँ या फिर उस तरफ जो बैटरी के टर्मिनल आते हैं उनमें लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर करंट ड्रॉ टेस्ट करना वो किसी भी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और जो स्विच था, स्विच के अंदर एक LED होती है, मैंने निकाल लिया, खाली मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। तो निकालने का सिंपल होता है, इस तरीके से उसको निकाल के साइड कर लेना, हमारे किसी काम की नहीं। बाकी उसको फिट करना बहुत आसान है, बीच में एक बॉल होती है उसको, और नीचे एक टुकड़ा होता है मेटल का, उसके थ्रू उसको पास कर लेना, ठीक है, मतलब उस पर वो अटैच हो जाता है। बाकी अब यहाँ पर दोबारा से लगा के मैंने आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ भी हो रहा है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है स्विच। और मैं एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, आप सोच रहे होंगे ना इसमें कि फ्यूज अटैच नहीं कर रहा, एक्चुअली इसमें फ्यूज ऑलरेडी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो 15 amp वाला फ्यूज है ना, उस वायर पर भी वो काम कर रहा है। फिलहाल ऑन और ऑफ का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो ऑफ़ करने पर ये किस तरीके से बैटरी ड्रॉ कर रहा है नहीं कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्यूज़ मैंने निकाला, ठीक है, फ्यूज़ निकालने के बाद जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने उसमें फ्यूज़ क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर मैं इसको आपको दिखा दूँगा कि फ्यूज़ निकालने के बाद जो डायरेक्ट वाली येलो वायर थी उसमें 12 volt आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, इसमें अभी देखना है 12 volt आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए इसमें अभी नहीं आ रहे 12 volt। अब मैं स्विच को देखिए, अभी इसमें बिल्कुल 0-0 क्योंकि मैंने फ्यूज हटा रखा है, इसमें नहीं आ रहे, और बगल वाले में 0.68 आ रहे। अब मैं दोबारा से फ्यूज़ को लगा लेता हूँ। फ्यूज़ लगाने के बाद जो लीड है, एक लीड नेगेटिव में लगा ली और जो दूसरी वाली है उसको लगा लिया, जो वायर आ रही है येलो वायर वाली उसमें देखिए आपको बैटरी के कनेक्शन मिल जाएंगे। इसका मतलब कि जो येलो वायर है उसमें वाला जो 15 amp का जो फ्यूज़ है उसमें परफेक्टली काम कर रहा है, तो हमें उसमें कोई फ्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ लास्ट में कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया, ये ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑफ करूँगा, ऑफ भी हो रहा है। एक बार मैं इसका लास्ट फाइनल आपको टेस्ट भी दिखा देता हूँ बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑफ पोजीशन में, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो देखिए 3 आ रहा है। तो मेनली मैं इसको ऑफ ही रखना है क्योंकि गाड़ी अब लॉन्ग टाइम तक ये खड़ी ही रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी भी बैटरी इस तरीके से खा रही है ना,
तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, बार बार बैटरी के कनेक्टर निकालने से जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं वो घिसने लग जाते हैं, तो टर्मिनल बचाने के लिए खाली इतनी फालतू मेहनत करनी पड़ती है, कनेक्टर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से एक मजबूरी सी हो गई थी, बाकी इसका कुछ और सोल्यूशन तो है नहीं। ये एक सोल्यूशन ये है कि स्टीरियो चेंज करो, अब वो महंगा पड़ जाता है। बाकी ना देखिए, स्टीरियो को भी यहाँ पर गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना भी करंट ड्रॉ कर रहा है वो नॉर्मल है। गाड़ी के अंदर जो वॉच होती है ना, उसको चलाने के लिए इतना करंट चलता है आपकी गाड़ी। मान लीजिए आप 3-4 दिन में भी गाड़ी चला रहे हैं, तब भी इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर लॉन्ग टाइम तक गाड़ी पार्क करनी है और कनेक्टर नहीं हटाना है, और ये आपका रूटीन ही ऐसा है कि आप ऐसा ही करते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं आप। देखिए तो जो ये वाले सिचुएशन है, इसके लिए तो ये वाला जो सोल्यूशन है, मुझे लगता है ये वाला परफेक्ट है। और कोई होगा तो कभी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आज वाले में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।